जहां केंद्र सरकार ने गेहूं के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दिया है, वहीं मंडल में गेहूं खरीद तेजी से हो रहा है, जिसके संबंध में संभागीय खाद्य नियंत्रक प्रेम रंजन सिंह ने बताया कि गेहूं खरीद के लिए एक बेहतर व्यवस्था बनाई गई है। अब हम लोग किसानों के घर जाकर के गेहूं खरीद रहे हैं, गाँव में चौपाल लगाया जा रहा है, किसानों से बात की जा रही है कि सभी किसान भाई सरकारी क्रय केंद्रों पर ही अपना गेहूं बेचे। पहले व्यापारी डायरेक्ट किसानों से गेहूं खरीद रहे थे और बाहर भेज रहे थे, अब सरकार ने गेहूं के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी है, लेकिन अब गेहूं की खरीदारी क्रय केंद्रों पर हो रही है। गेहूं के बाहर जाने पर रोक लगने के बाद किसानों से सीधा बात करके गेहूं को खरीदा जा रहा है, जिससे कि किसानों को सीधा सीधा लाभ मिल सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए संभागीय खाद्य नियंत्रक प्रेम रंजन सिंह ने कहा, देखिए गेहूं खरीद में हम लोगों ने इस बार एक स्पेशल व्यवस्था करी हुई है कि किसानों के घर जा जा के हम लोग गेहूं खरीद कर रहे हैं। गांव में चौपाल लगाए जा रहे हैं, किसानों को कन्विंस किए जा रहे हैं कि आप सरकारी क्रय केंद्रों पे ही अपना गेहूं बेचें। परंतु जैसा कि हम लोग को पता है कि पहले गेहूं का एक्सपोर्ट हो रहा था और पूरे विश्व में गेहूं की शॉर्टेज की वजह से व्यापारी डायरेक्ट किसानों से खरीद रहे थे, परंतु अभी गेहूं का क्रय जो है रुक गया, गेहूं का एक्सपोर्ट सरकार द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया है, तो इससे जो व्यापारी डायरेक्ट खरीद के ले जा रहे थे उसमें कमी होगी और हम लोग किसानों का गेहूं डायरेक्ट अपने क्रय केंद्रों पर खरीदेंगे, तो उम्मीद है कि इससे किसानों को लाभ मिलेगा।